हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं किसी तकनीक बताने वाली हूँ जिससे अगर आप बिहार का एस्टेट एग्जाम दे रहे हैं और आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइंस में थोड़ा डर लग रहा है तो किस तरीके से मैं आज डर खत्म करने वाली हूँ आज आपको इस छोटे से वीडियो में ये बताऊंगी। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो की जो भी बातें बताऊंगी उसको जरूर अपना लीजिएगा। तो दो या तीन बातें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है तो जरूर सुनिएगा। तो चलो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना जिससे कि कोई भी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहली बात है कि अब आपका एग्जाम आ गया है, 3 से 4 दिन बचे हैं, तो मैं तो ये बोलूंगी कि लास्ट 3 डेज स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी कि अगर आपको साइंस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको साइंस कैसे आएगी प्लस आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो साइंस जब आएगी और साइंस जब आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ऐसा क्या करना है कि आपको साइंस आ जाए और जब आप साइंस आपकी प्रिपेयर हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा। तो चलो देख लो। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई बिगनर है, कोई किसी ने बहुत ज्यादा साइंस अभी नहीं पढ़ी है और वो पढ़ना चाहता है, या जिसने पढ़ ली है अब वो सोच रहा है मैं रिविजन कहाँ से स्टार्ट करूं और बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है इस चैनल की प्लेलिस्ट पर और प्लेलिस्ट का नाम है एनसीईआरटी साइंस वन शॉट। इस चैनल की प्लेलिस्ट को जाओ, ओपन करो एनसीईआरटी साइंस वन शॉट, मैंने रिपीट करा इस लाइन को, इस प्लेलिस्ट को खोलो और इस प्लेलिस्ट में आपको जो वीडियोस दिखेंगे उसमें सबसे पहला वीडियो आपको कौन सा देखना है, फर्स्ट वीडियो जो पहला काम है आपका, तो पहला वीडियो आपका हो जाएगा जो एक मैराथन पड़ी हुई है, इसमें ये मैराथन है आपकी क्लास 6 to क्लास 10th की, एक मैराथन है 4.5 घंटे की, ये मैं यहाँ पर घंटा भी लिख दे रही हूँ, 4.5 घंटे की ये मैराथन है। आप इसको 2x पर लगाइए, आपके लगभग 3 घंटे में ये मैराथन खत्म हो जाएगी 2x पर लगाकर। और ये मैराथन जब आप देख लेंगे पूरी, बिलीव करिए आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा होगा वो रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग इस मैराथन में कवर करी है जिससे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है। दूसरा काम आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मिलेंगे एमसीक्यू के सेशंस। तो एमसीक्यू के सेशंस मिलेंगे जिसमें कि आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 आपको जितने सेशंस मिल जा रहे हैं इसमें आप जाकर 2x पर लगाकर इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपकी पूरी साइंस यहां पर प्रिपेयर हो जाएगी, बिलीव करिए, क्योंकि ये सारे जो सेशंस हैं, ये एमसीक्यूज हैं, ये कहीं के भी कॉपी पेस्ट करे हुए नहीं है, ये ओरिजिनल कंटेंट है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को मैंने पढ़कर ये सारे सेशंस को प्रिपेयर किया है। तो ये दो काम आप यहां पर करेंगे और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जिसको मैं रेड पेन से लिखने जा रही हूं और ये सबसे महत्वपूर्ण काम है जो कि मैं यहां पर लिखूंगी थर्ड वर्क, अगर आपको बीपीए बिहार का एस्टेट एग्जाम को क्लियर करना है कि इस समय रील्स को देखना बंद कर दो। बस इस समय ये 3-4 दिन बचे हैं, इस समय तीसरा काम आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल, और किस चीज के ऊपर, रील्स को नहीं देखना है, क्योंकि एक बार रील्स देखने बैठ जाते हैं तो कहाँ समय चला जाता है, वो समय कहाँ लगाना है, एमसीक्यूज को लगाना है या वो समय मैराथन को देखने में लगाना है। तो ये तीन काम आपके आपको बिहार के इस एग्जाम को क्लियर करने की तरफ लेकर जाएंगे जहां पर आपका साइंस का पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये तीन काम जरूर करिए और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। तो पहला काम हो गया आपको कि प्लेलिस्ट में जाना है, मैराथन को देखना है, दूसरा काम है इसमें जो आपको एमसीक्यूज के सेशन से उसको देखना है, तीसरा काम है रील देखना बंद कर देना है, लाइब्रेरी में बैठ जाना है और पढ़ते जाना है, ठीक है। तो ये तीन काम करिए, आपका एस्टेट का एग्जाम हो जाएगा, साइंस के पोर्शन की जिम्मेदारी जो मेरी है वो आपकी क्लियर हो जाएगी, साइंस में आपको सबसे बड़ी बात है प्रिपेयर हो जाएगी और जैसे ही प्रिपेयर होगी वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।